वालेकुम असल स्टूडेंट वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास क्लास एट सब्जेक्ट मैथमेटिक यूनिट नंबर वन में मेट्रिस हमारा टॉपिक चल रहा है जिसमें हमने एक्सरसाइज वन पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर एट और नाइन आज करना है तो लेट्स स्टार्ट इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू मैट्रिक्स फाइव टू जीरो नाइन एंड x माइनस वाई थ्री सिक्स ज़ीरो माइनस वन ठीक हो गया अब आपके पास x प्लस वाई और x माइनस वाई के बने है इससे हमने फाइंड करनी है x और y की वैल्यू तो सबसे पहले आपके पास क्या केवन है x प्लस वाई डेट इज़ फाइव टू ज़ीरो नाइन ये आपके पास मैट्रिक्स वन है और x माइनस वाई थ्री सिक्स ज़ीरो माइनस वन ये आपके पास मैट्रिक्स टू है सबसे पहले हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करते हैं एडिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू ठीक है two, ये आपके पास इक्वेशन वन आ गई ये आपके पास इक्वेशन टू आ गई इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई फाइव टू ज़ीरो नाइन प्लस अब एक्स माइनस वाई क्या है मैट्रिस थ्री सिक्स ज़ीरो माइनस वन अब इन दोनों को हमने प्लस करना है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई अब आपको पता है कि हम जब मेट्रिकिस को ऐड करते हैं तो इनके जो आपके पास एलिमेंट्स होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं अब मेरे पास क्या फाइव है फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट एलिमेंट फाइव है सेकेंड का थ्री तो फाइव प्लस थ्री दैन टू प्लस सिक्स दैन जीरो प्लस जीरो एंड नाइन माइनस नाइन फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट एंड फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट और सेकेंड मैट्रिक्स का आल्सो रो का सेकेंड एलिमेंट इस तरह कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एड हो जाएंगे तो यहाँ पे भी देखिए एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई अब प्लस वाई माइनस वाई मीन जीरो कैंसिल एंड एक्स प्लस एक्स इज टू एक्स ओके अब इसको हमने ऐड कर लिया फाइव प्लस थ्री इज एट टू प्लस सिक्स इज एट जीरो प्लस जीरो इज जीरो नाइन माइनस वन इज एट अब हमें एक्स की वैल्यू चाहिए सो वी डिड वी गेट एक्स इज इक्वलो एट ओके ना दिस टू विल मल्टीप्लाई इन मल्टीप्लाई विद एलिमेंट बाई टू मल्टीप्लाई बाई एट वन बाई टू मल्टीप्लाई बाई एट वन बाई टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई 8 okay so 8 by 2 8 by 2 0 and 8 by 2 so this will be cut 2 into 8 4 8 divided by 2 also 4 0 and 8 divided by 4 you x okay students now now we want y so we subtract equation 1 इक्वेशन टू फ्रॉम वन ठीक है अब हमने क्या करना है इक्वेशन टू को वन से माइनस कर लेना है यानी कि इक्वेशन वन के आपके पास एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई अब आपके पास एक्स प्लस वाई क्या थी फाइव टू जीरो नाइन और x माइनस वाई क्या थी थ्री सिक्स जीरो माइनस वन अब हम पहले इसको माइनस कर लेते हैं अब जब आपके पास x प्लस वाई आप ब्रैकेट के बाद माइनस है तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट के अंदर मौजूद जो आपके पास साइन है वो चेंज हो जाएंगे तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस प्लस वाई अब एक्स माइनस एक्स आपके पास ठीक है ये कैंसिल हो जाएगा और वाई प्लस वाई रह जाएगा अब हमारे पास उसी तरीके से जैसे हमने फर्स्ट में ऐड किया था तो हमने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर लिया था अब यहाँ पे हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस करेंगे तो फाइव माइनस थ्री टू माइनस सिक्स जीरो माइनस ज़ीरो नाइन माइनस माइनस वन फाइव में से थ्री माइनस किया टू आ गया टू में से सिक्स माइनस यानी सिक्स माइनस टू माइनस फोर ज़ीरो माइनस जीरो इज़ ज़ीरो एंड नाइन माइनस माइनस प्लस तो नाइन प्लस वन इज टेन सो आपके पास ये आ गया टू माइनस फोर जीरो एंड टेन नाउ हेयर वी हैव टू वाई वी वॉन्ट वाई सो डिवाइडिंग टू ऑन बोथ साइड टू को बोथ साइड डिवाइड कर ले टू वन बाय टू टू माइनस फोर जीरो एंड टेन तो अब आपने टू को जब मल्टीप्लाई कर लेने अब वन बाई टू आपके एवरी एलिमेंट्स के साथ हर एलिमेंट के साथ वन बाई टू मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टू बाई टू माइनस फोर बाई टू जीरो बाई टू एंड टेन बाई टू तो ये आपके पास आ जाएगा वन टू बाई फोर बाई टू 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 जार फोर कैटन हो जाएगी माइनस टू जीरो एंड फाइव ठीक हो गया स्टूडेंट्स तो ये आपके पास आ गई आपके पास आपको कहा गया था क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू एक्स एंड वाई ठीक है एक्स और वाई की आपने अब यहाँ पे क्या मैट्रिक्स के फॉर्म में आपके पास आंसर आएंगे तो एक्स के आपके पास क्या आ गया था एक्स आपके पास आ गया था फोर फोर जीरो फोर और वाई क्या आ गया मैट्रिक्स वन माइनस टू जीरो एंड फाइव सो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर एट डन हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन ओके तो उसमें क्वेश्चन नंबर नाइन लेट एज इक्वल टू टू माइनस थ्री four five matrix एंड बी matrix इज two five minus one एंड three एंड सी matrix three one zero four ओके okay, अभी आपके पास थ्री मैट्रिसेस हैं साथ में आपको कहते हैं सी इज इक्वल टू टू एंड डी इज इक्वल टू माइनस फोर ये आपके पास वेरिएबल्स दे दिए ठीक है इनकी वैल्यूज दे दी हैं है। अब क्वेश्चन आपको कहते हैं एंड देन वेरीफाइड एट सी प्लस डी इन टू ए इज इक्वल टू सी ए प्लस डी ए ठीक है स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्या है इसको हमने सॉल्व करना है ये आपके पास वैल्यूज के वन है और ये ए आपके पास मैट्रिक्स है तो हमने क्या करना है हमने प्रूफ करना है कि सी प्लस डी अगर ब्रैकेट में आपके पास सी प्लस डी एड होके मेटरेस ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाए वो उसका आंसर सी को मल्टीप्लाई कर ले मैट्रिक्स ए के साथ फिर डी को मल्टीप्लाई कर ले मैट्रिक्स ए के साथ और उनको ऐड कहते हैं इन दोनों का आंसर सेम आता है तो अब हम चेक करेंगे ओके सी प्लस डी ए सी प्लस अब हमने क्या करना है सी प्लस डी हमारे पास क्या है गिवन है तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं सी प्लस डी इन ए अब आपके पास सी की वैल्यू गिवन है टू पी की वैल्यू गिवन है प्लस बी की वैल्यू गिवन है माइनस फोर और ए इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं टू माइनस फोर इज माइनस टू इंटू ए अब माइनस टू और मैट्रिक्स ए मैट्रेस के टू माइनस थ्री फोर एंड फाइव अब आपने ये जो माइनस टू ब्रैकेट के बाहर है ये तमाम एलिमेंट्स के साथ क्या कर लेना है मल्टीप्लाई कर लेना तो माइनस टू इंटू टू माइनस टू इंटू माइनस थ्री माइनस टू इंटू फोर एंड माइनस टू इंटू फाइव तो ये अब आपके पास क्या तू, आ गया टू टू जै फोर माइनस फोर टू थ्री जैर सिक्स माइनस माइनस प्लस फोर टू जैर एट माइनस एट फाइव टू जैर टेन माइनस टेन ये आपके पास आ गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेट्स टेक राइट हैंड साइड ओके राइट हैंड साइड आपके पास के सी ए प्लस डी ए सी आपके पास क्या है टू ए प्लस डी आपके पास के माइनस फोर तो माइनस फोर की वैल्यू डाल दी डी की वैल्यू माइनस फोर डाल दी तो ये आपके पास अब आ गया सी ए प्लस डी एप के आपके पास अगेन माइनस फोर दोबारा से एक मैट्रिक्स लिख लिया अब ये एलिमेंट्स के हर एलिमेंट के साथ टू मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमने एवरी एलिमेंट्स के साथ टू को मल्टीप्लाई कर लिया टू मल्टीप्लाई टू टू मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री टू मल्टीप्लाई बाय फोर टू मल्टीप्लाई बाय फाइव माइनस अब फोर भी एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा फोर मल्टीप्लाई बाई टू फोर मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री फोर मल्टीप्लाई बाय फोर एंड फोर मल्टीप्लाई बाय फाइव फोर माइनस सिक्स एट एंड टेन माइनस एट माइनस ट्वेल्व सिक्सटीन एंड ट्वेंटी अब देखिए पहले हम यहाँ पर हमारे पास अब क्या है माइनस है अब ये दो मैट्रिसेस माइनस हो रही हैं तो आपको पता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके पास क्या होते हैं आपने उनको माइनस करना होता है तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट सो डेट इज फोर माइनस एट माइनस सिक्स माइनस इंटू माइनस ट्वेल्व एट माइनस सिक्सटीन एंड टेन माइनस ट्वेंटी ओके फोर में से एट को माइनस कर ले माइनस फोर माइनस सिक्स प्लस ट्वेल्फ इज सिक्स एट माइनस सिक्सटीन इज माइनस एट एंड टेन माइनस ट्वेंटी इज माइनस टेन तो ये आपके पास आ गई आपकी राइट हैंड साइड ठीक है तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड का क्या आंसर था और लेफ्ट हैंड साइड देखिए माइनस फोर सिक्स माइनस एट एंड टेन और राइट हैंड साइड का क्या आंसर आया माइनस फोर माइनस सिक्स सॉरी माइनस फोर सिक्स माइनस एट एंड टेन हिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सो सी प्लस डी इंटू ए इज इक्वल टू सी ए प्लस डी ए इट्स मीन कि अगर आप पहले सी प्लस डी को प्लस करके उसको मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई कर लें या सी को ए के साथ ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें और डी को ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके उनको प्लस कर दें दोनों का आंसर आपके पास क्या आएगा सेम आ जाएगा ठीक है स्टूडेंट्स अब देखिए क्वेश्चन पार्ट टू सी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू सी इंटू ए प्लस सी इंटू बी अब आपने क्या करना है क्वेश्चन नंबर पार्ट वन की तरह ही आपने करना है यहाँ पे अब आपके पास मैट्रिक्स चेंज होंगी क्वेश्चन में आपको गिवन है ए और बी दोनों मैट्रिक्स गिवन है आपने क्या करना है पहले ए और बी मैट्रिक्स को प्लस करके सी के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है फिर सी को मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करना है प्लस सी को मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करना है फिर आपने चेक करना है कि आपके आंसर सेम आ रहे हैं तो ये आपका होमवर्क है काइंडली डू इट बाय योरसेल्फ ओके स्टूडेंट्स तो आपको समझ आ गई होगी दोनों क्वेश्चंस की क्वेश्चन एट की भी और क्वेश्चन नाइन की भी बहुत ईजी क्वेश्चन है तो काइंडली डू इट एट योर नोटबुक लास्ट में डेयर स्टूडेंट कैन यू डू योर वर्क फ्रॉम वीडियोज एंड ब्रिंग नोटबुक एट एवरी सैटरडे फॉर वॉचिंग ठीक है आपने वीडियो से अपना काम करना है होमवर्क कंप्लीट करना है और हर सैटरडे को आपने क्या करना है अपनी नोटबुक स्कूल पहुंचा देनी है ठीक है ले आनी है इनशाला वी विल चेक योर नोटबुक्स एंड सेंड इट टू तो यू ओके थैंक यू बेस्ट ऑफ लक